दोस्तों, अगर आप अपने वीडियो में अपना वॉइस डालकर वीडियो बनाते हैं, यानी कि वॉइस ओवर करके आप अपना वीडियो शूट करते हैं, चाहे आप शॉर्ट्स के लिए बनाते हैं या फिर चाहे आप लॉन्ग के लिए, तो आज की वीडियो मैं आपको ऐसे 5 टिप्स देने वाला हूं जिसे अगर आप फॉलो करेंगे तो आपके वीडियो में जान आ जाएगी। जी हां दोस्तों, आपने सही सुना, क्योंकि मैं अपने चैनल पर जब लाइव आया था तो आप लोगों का चैनल चेक किया था और मुझे 95% चैनल में जो सबसे बड़ी कमी लगी वो थी वॉइस की, यानी वॉइस को सही से ना रिकॉर्ड करना। तो मैंने वॉइस एडिटिंग कैसे करना है बहुत पहले एक वीडियो बना रखा है, नया वीडियो लेकर आपके लिए आने वाला हूं, लेकिन आज का वीडियो उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि वॉइस एडिटिंग से रिलेटेड तो बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, लेकिन मैं भी लेकर आऊंगा उससे रिलेटेड, क्योंकि आप लोगों ने बोला है। लेकिन आज के वीडियो में मैं आपको 5 टिप्स दूंगा जिसकी वजह से आपकी वॉइस खराब होती है, अगर आप वो 5 टिप्स फॉलो करेंगे तो आपके वॉइस में दम आ जाएगा, एकदम दमदार आपकी वीडियो बनेगी। और वो 5 टिप्स क्या है आप लोग जरूर फॉलो कीजिएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त संजीव और स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टिकटॉक भी संजीव में। तो चलिए मैं आपको वो 5 जो टिप्स है वो बता देता हूं, अगर आज से ही आप फॉलो करेंगे तो आप खुद पहले की वॉइस उठाकर देख लीजिएगा और आपकी उठाकर देख लीजिएगा जो मैं टिप्स बताऊंगा, उसको फॉलो करने के बाद आपको जमीन और आसमान का अंतर लगेगा, क्योंकि ये टिप्स मैंने कहीं से देखे नहीं है, मेरे खुद के एक्सपीरियंस से मैंने ये चीजें सीखा है। मैंने खुद वॉइस ओवर करना जब स्टार्ट किया था बहुत ही बेहुदा क्वालिटी की वॉइस थी, इसके बाद धीरे धीरे इंप्रूव किया और आपको भी वो पसंद आती है वॉइस। तो उस तरीके से आपको कैसे रिकॉर्ड करना है, क्या वो 5 तरीके हैं, मैं आपको डिटेल में बताने वाला हूं। अगर आप सीरियस हैं यूट्यूब पर सक्सेस होने के लिए, यूट्यूब पर काम करने के लिए, तो ये 5 टिप्स जरूर देखिएगा, क्योंकि हर एक टिप्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को लेट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं और सारे टिप्स के बारे में आपको बता देते हैं। उसके पहले अगर अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं और ये वीडियो देख और चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो देर मत करिए, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया है उस पर दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सारी चीजें डिटेल में मैं आपको समझा देता हूं। नंबर 1, डिस्टेंस बिटवीन माइक एंड माउथ। जी हां दोस्तों, आप अगर अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं माइक से या फिर मोबाइल फोन से, जी हां आप मोबाइल फोन से भी बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर आप बोलेंगे तो। इसके लिए मैं डेडिकेटेड वीडियो ले आकर आपको लाइव प्रूफ के साथ, लाइव आपको रिकॉर्डिंग करके, एडिटिंग करके आपको वॉइस सुना भी दूंगा और आप सुनकर दंग रह जाएंगे। माइक के टक्कर की वॉइस रहती है, आपको माइक पर पैसे भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। अगर आप माइक से रिकॉर्ड करते हैं या फिर आप मोबाइल फोन से रिकॉर्ड करते हैं तो पहली जो आपको टिप्स मैं दे रहा हूं वो ये है कि आपको अपना, जैसे माइक ले लीजिए, आपको अपना माइक अपने मुंह से कितनी दूर पर रखना है, क्योंकि ये मेरे पास बहुत कमेंट आते थे कि सर मुझे बताइए अपना माइक कितना दूर पर रखना चाहिए। क्योंकि अगर आपका माइक है तो आपको सिंपली है या फिर आप कॉलर पर लगा लीजिए, अगर आप वॉइस ओवर कर रहे हैं तो कॉलर पर कभी मत लगाइएगा, मैं आपको बोलूंगा हाथ में पकड़िएगा और आपको अपना माइक से इतना दूर रहना है, यानी कि लगभग इतना डिस्टेंस आपके माइक से रहना चाहिए। अब बहुत लोग क्या करते हैं, मैं खुद भी ऐसा करता था स्टार्टिंग में, अपना माइक यहां ले लेता था यहां पर, और जब यहां पर लेता था देखिए क्या होता है, कुछ कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसमें आपका कुछ प्रेशर टाइप का बोलना होता है, जैसे मुझे कुछ तेज से बोलना हुआ तो उस पर तेजी के साथ एक एयर जाती है मुंह से, तो ये एयर आपके माइक पर जाए, जैसे मैं आपको सुना देता हूं लाइव, देखिए जैसे अभी तेज से बोलना हुआ ऐसे ऐसे करके एयर जाती है, एक प्रेशर जाता है, तो ये एयर जो आपका है वो वॉइस क्वालिटी खराब कर देता है। तो आपको अपना माइक यहां नहीं रखना है, यहां से आपकी वॉइस खराब आएगी क्योंकि बहुत ज्यादा लाउडनेस आएगा और बहुत ज्यादा एयर वगैरह की क्वालिटी आएगी, जैसे मुंह से जो थोड़ा प्रेशर निकलता है तो उसका भी यहां पर वॉइस आ जाएगा। तो सबसे बेस्ट है यहां पर करके रिकॉर्ड करना, इतनी दूर पर, यानी इतना डिस्टेंस होना चाहिए। तो आपको इतना डिस्टेंस मेंटेन करना है जब आप अपना वॉइस रिकॉर्ड करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा फर्स्ट पॉइंट जो मैंने आपको बताया। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। नंबर 2, एक सांस में बोलना। जी हाँ दोस्तों, आपको जब अपना वॉइस रिकॉर्ड करना है तो वॉइस रिकॉर्ड करते समय आपको ऐसा नहीं है कि लगातार बोलते रहना है, आप एक लंबी सांस कितनी टाइम तक रोक सकते हैं जिसमें आपको सांस ना लेना पड़े, उतनी देर में आपको अपना वॉइस जो भी है उसको रिकॉर्ड करना है। जैसे आप अच्छे से एक सांस ले लीजिए, गहरी सांस लीजिए और इसके बाद आप जो आपका सेंटेंस है, मैं क्या करता था, जो अपना लिखता था स्क्रिप्ट उसे 2 से 3 लाइन का स्क्रिप्ट पार्ट वाइज लिख लेता था कि नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5, यानी कि एक बार जब मैं बोलूंगा तो नंबर 1 वाला कंप्लीट कर दूंगा, दूसरी बार बोलूंगा तो नंबर 2 वाला कंप्लीट करूंगा, इस तरीके से मैं स्क्रिप्ट लिखता था। तो स्क्रिप्ट वाली ये हमारे पास कॉपी भी है, मैं आपको दिखा देता हूं, खुद ही आपको लाइव दिखा देता हूं, ठीक है, ये आप देख लीजिए, ये आपको बहुत जल्दी जल्दी लिखा हूं, आपको क्लियर नहीं होगा, आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 ऐसे करके मैं पॉइंट लिखा हूं,
ठीक है, स्क्रिप्ट के लिए हर एक स्क्रिप्ट में ऐसा लिखता था, आप देख सकते हैं चाहे जो स्क्रिप्ट, यही देख लीजिए, हर एक स्क्रिप्ट में 1 2 3 4 5 6 क्यों लिखता था कि जैसे मैं पहली बार बोलना अगर स्टार्ट करूं तो एक वाला पॉइंट हमारा कवर हो जाए इस तरीके से, मतलब एक सांस में मुझे वो कवर करना है। अब आप बोलेंगे सर एक सांस में क्यों जरूरी है, तो भैया एक सांस में इसलिए जरूरी है कि जब आप जैसे आप बोल रहे हैं, आप सोच रहे हैं कि मैं पूरा सेंटेंस खत्म करूं, अब जैसे बीच में आप सांस लेंगे, ऐसे सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे, क्योंकि अगर आप सांस रोक कर कुछ बोलेंगे तो तेजी के सांस लेंगे, तेजी के साथ सांस को लेंगे और तेजी के साथ सांस को मतलब छोड़ेंगे, तो ये आपके वॉइस में बहुत बड़ा एक नॉइज रहता है। आपको भी नहीं समझ में आएगा जब आप रिकॉर्डिंग में सुनेंगे ईयरफोन लगाकर, तो एक बहुत बड़ा एक नॉइज हो जाता है। तो आपको क्या करना है, एक सेंटेंस को एक बार में खत्म करना है। जैसे आपको मैं बता दूं, जैसे मैं एक ले लेता हूं उसी में स्क्रिप्ट में ही कोई पॉइंट ले लेता हूं, ठीक है, जैसे मैं आपको कोई एक पॉइंट ले लेता हूं, जैसे एक है मैंने एक पॉइंट में लिखा है, दोस्तों आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना ही होगा जो अपने अलग अलग बातों के लिए मशहूर होते हैं। इसके बाद दूसरे पॉइंट में, लेकिन आज मैं आपको अपने देश इंडिया के एक ऐसे मंदिर के बारे में बताने चल रहा हूं, ये दूसरा पॉइंट है। अब मुझे देखिए एक सांस में अगर बोलना है, जैसे देखिए, दोस्तों आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना ही होगा जो अलग अलग बात, जैसे अभी एक सांस में नहीं हुआ, ये ब्रेक हो गया, दोस्तों आपने बहुत सारे मंदिरों के बारे में सुना ही होगा जो अपने अलग अलग बातों के लिए मशहूर होते हैं। ये मेरा एक सांस में हो गया। अब अगर इसी में मैं सांस लूं, देखिएगा आप लोग, दोस्तों आप लोगों ने अलग अलग मंदिरों के बारे में सुना ही होगा, मतलब बीच में आ जाता है, बीच में जैसे आप सांस छोड़ेंगे तो वहां पर थोड़ा आपका जो जो आप एक फ्लो में बोल रहे हैं वो गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरीके से आपको एक सांस में एक चीज रिकॉर्ड करना है, इसके बाद वहां पर रिकॉर्डिंग स्टॉप कर देनी है। पॉइंट वाइज आप लिखेंगे तो सबसे बेस्ट रहेगा, इससे ये होगा कि हाँ फर्स्ट पॉइंट बोल लिया हूं तो स्टॉप करिए रिकॉर्डिंग, फिर आगे जो दूसरा पॉइंट बोलना है वहां से स्टार्ट करके फिर दूसरा पॉइंट बोलिए। तो इस तरीके से आपको करना है, तो आपको दूसरा पॉइंट क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप तीसरे पॉइंट की तरफ। नंबर 3 पॉइंट है कि रिकॉर्डिंग के बीच में ना आपको सांस लेना है ना छोड़ना है, ये आपके दूसरे पॉइंट से रिलेटेड है, क्योंकि अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं कुछ बोल रहे हैं उसमें अगर आप सांस लेंगे और सांस छोड़ेंगे तो आपका जो वॉइस है, जो आप एक मॉड्यूलेशन में बोल रहे हैं, जैसे एक लय में बोल रहे हैं, वो आपका गड़बड़ हो जाता है और साथ ही साथ एक नॉइज आ जाता है, जो कि मैंने आपको लाइव दिखाया भी। तो आप अपनी वॉइस जब रिकॉर्ड कर रहे हैं उस टाइम आपको ध्यान देना है, एक सांस में बोलना है और आपको रिकॉर्डिंग के बीच में न सांस लेना है न सांस छोड़ना है, यानी रिकॉर्डिंग कंप्लीट हो जाए, एक पॉइंट आपने बोल लिया, स्टॉप करिए, फिर अपना अच्छे से सांस लीजिए, फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट अच्छे से कवर करके फिर उसको बोलिए। तो आपको रिकॉर्डिंग के बीच में सांस लेना और छोड़ना नहीं है। मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, ये पॉइंट वही बता सकता है जो एक्सपीरियंस ये चीज किया हो। मैं आपको प्रोफेशनल नहीं, अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूं, एक्सपीरियंस के तरीके से अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आप खुद देखेंगे कि आपकी जो वॉइस रिकॉर्ड होती थी कहां से कहां अंतर आ गया, क्योंकि मैंने खुद लाइव में आपका देखा है कि भैया आपका सब कुछ एडिटिंग बढ़िया, फैक्ट बढ़िया, सब वीडियो बढ़िया, वॉइस में प्रॉब्लम है। तो वॉइस में प्रॉब्लम इसी वजह से होती है। मैं आपको वॉइस से रिलेटेड लगातार वीडियो, लगातार का मतलब है 2 से 3 दिन में 4 दिन में एक वीडियो लेकर आऊंगा, जैसे कि अभी मैंने आपको टिप्स दिया, इसके बाद वॉइस कैसे आपको रिकॉर्ड करनी है वो बताऊंगा, अगर आप लोग बोलेंगे तो मोबाइल से कैसे रिकॉर्ड करनी है वो भी लाऊंगा, आपको माइक लेने की भी जरूरत नहीं है, एकदम बेहतरीन क्वालिटी की, ठीक है। तो उसी तरीके से मैंने वीडियो देखा तो मुझे ये लगा कि अगर आप वॉइस क्वालिटी सही कर लेंगे तो आपका वीडियो वायरल करने से कोई नहीं रोक सकता है, आपको अपना वीडियो वायरल आराम से हो जाएगा आपका वीडियो, क्योंकि आपको भी पता है कि वॉइस ओवर चैनल में सबसे बेस्ट जो होता है, सबसे वीडियो की जान जो होती है वो होता है आपका वॉइस, सबसे मेन, और वही खराब हो गया तो पूरा वीडियो खराब हो जाता है। तो आई होप आपको थर्ड पॉइंट कंफर्म हो चुका होगा। अब चलते हैं फोर्थ पॉइंट की तरफ। फोर्थ पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वो है कि आपको अपना वॉइस जो रिकॉर्ड करना है, या फिर आप किसी अगर कमरे में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो वहां पर बहुत सारा सामान भरा होना चाहिए, खाली रूम नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको भी पता है, अगर नहीं पता है तो बता देता हूं, अगर रूम खाली होता है तो वहां पर इको साउंड आता है, इको, जैसे इसी रूम में मैं जहां रिकॉर्ड कर रहा हूं थोड़ा इको आ रहा है, थोड़ा सा, अभी आप देखेंगे मेरा पिछला वीडियो, जो एक दो वीडियो मैंने बाहर शूट किया है वहां पर इको नहीं होता है। तो अगर आप अपने घर में रिकॉर्ड कर रहे हैं तो आपको एक शांत जगह चाहिए, ये तो आपको पता ही है, शांत जगह होना चाहिए, और साथ ही साथ जिस रूम में रिकॉर्ड कर रहे हैं वहां पर सामान भरा होना चाहिए, खाली रूम नहीं होना चाहिए, अगर खाली रूम रहेगा तो वो इको करेगा। आपका रूम भरा होना चाहिए, अगर तब पर भी इको करता है तो आपके जो खिड़की है, दरवाजे हैं, वो आप खोल सकते हैं, इससे इको कम हो जाता है। तो ये करना है। अगर आपके आपका सेपरेट रूम नहीं है, अच्छे से रिकॉर्डिंग नहीं हो पाती है, तो मैं आपको सबसे बेस्ट बोलूंगा, सबसे बेस्ट आप ओपन बैकग्राउंड में जाकर रिकॉर्ड कीजिए, ऐसी जगह जैसे आपका
खेत वगैरह हो गया, जहां बाग वगैरह हो गया, जहां पर कोई भी ना नॉइज है और एकदम ओपन है, वहां बेस्ट क्वालिटी का आपका वॉइस रिकॉर्ड होता है। तो आप ओपन बैकग्राउंड में भी जाकर रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो फोर्थ पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, मैंने आपको समझा दिया है। अब चलते हैं फिफ्थ पॉइंट की तरफ, जो कि भैया सबसे ही ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर फाइव है, आपका जो आप बोल रहे हैं एक एक वर्ड क्लियर होना। जी हां दोस्तों, एक एक वर्ड क्लियर होना। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा जैसे एक है स्क्रिप्ट, मैं आपको बताता हूं, आप समझिएगा, मैं आपको एग्जांपल से समझा रहा हूं जिससे आप समझ जाएंगे। जैसे एक स्क्रिप्ट है दोस्तों, आज मैं आपको तीन ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने चल रहा हूं जिसे आप सुनकर हैरान रह जाएंगे, ठीक है। तो अब मान के चलिए जल्दी में बोलेंगे, तो आपको जल्दी में नहीं क्लियर बोलने की जरूरत है। अगर आपको मतलब स्पीड बढ़ाना है तो आप आराम से टेम्पो स्पीड में जाकर स्पीड बढ़ा देंगे तो आपका जो स्लो स्लो बोले हैं वो फास्ट हो जाएगा, लेकिन आपका एक एक वर्ड क्लियर रहेगा। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे एक है, जैसे दोस्तों आज आपको तीन ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने चल रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब इसे आप जल्दी में बोलेंगे, दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने चल रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। अब इसमें वर्ड क्लियर नहीं है, आपको कैसे करना है, दोस्तों आज मैं आपको तीन ऐसे रैंडम फैक्ट्स के बारे में बताने चल रहा हूं जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। आप सुने होंगे कि मैं ऐसे ही रिकॉर्ड करता हूं, एक एक वर्ड क्लियर। रिकॉर्डिंग करते समय एक एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। अगर आपकी स्पीड स्लो है कोई दिक्कत नहीं है, आप एडिटिंग करते टाइम आप टेम्पो स्पीड बढ़ा दीजिएगा, टेम्पो स्पीड मत बढ़ाइएगा, टेम्पो स्पीड एक होता है, मैं आपको बताऊंगा। अगर आप एडिटिंग सीखना चाहेंगे, एडिटिंग से रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आने वाला हूं 2 से 3 दिन में वॉइस एडिटिंग से रिलेटेड, तो वहां आपको टेम्पो स्पीड बढ़ा देनी है, तो आपका जो बोलने का स्पीड है वो भी बढ़ जाएगा एडिटिंग से, साथ ही साथ आपका एक एक वर्ड क्लियर रहेगा। क्योंकि जब एक एक वर्ड क्लियर रहता है, आप कोई भी वॉइस ओवर चैनल उठाकर देख लीजिएगा जिसमें वॉइस ओवर होता है, लॉन्ग चैनल या फिर शॉर्ट्स का, उसमें एक एक वर्ड क्लियर बोलते हैं। इससे एक जो होता है सामने वाला देखने का व्यूवर्स का, वो एकदम इंगेज्ड रहता है उस वीडियो के साथ। जैसे एक एक वर्ड बोल रहे हैं, दोस्तों आपको इस मंदिर के बारे में क्या पता है, मतलब सोचिए एक एक वर्ड मतलब आपको क्लियर हो रहा है। अब उसी एक साथ में बोल दीजिए, दोस्तों आपको इस मंदिर के बारे में पता है, ऐसे आप बोल देंगे तो सारा एकदम घुला मिला टाइप का हो जाएगा, तो उतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नहीं लगता है। तो आपको एक एक वर्ड पर ध्यान देकर बोलना है, हर एक वर्ड क्लियर होना चाहिए। तो ये 5 पॉइंट्स थे जो आपको अपने रिकॉर्डिंग करते टाइम ध्यान में रखने हैं। अगर आप ये 5 पॉइंट्स का ध्यान रखेंगे तो आप बेस्ट क्वालिटी का वॉइस रिकॉर्ड करेंगे। तो आपको जो मैंने 5 पॉइंट्स अपने एक्सपीरियंस से बताए हैं, आपको कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा, और जो मैंने पॉइंट्स बताए हैं आज से ही ऐसा रिकॉर्ड कीजिए, और पिछला वॉइस और आज के रिकॉर्डिंग में आप देखिएगा अंतर, आपको कैसा वो अंतर लगेगा, डिफरेंस कैसा लगेगा, वो भी आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपके कमेंट का मुझे वेट रहेगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो बिना बोले लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक मेरे लिए मोटिवेशन रहता है। साथ ही साथ अगर अभी तक इस चैनल पर आप लोग नहीं जुड़े हैं और वीडियो को देख रहे हैं तो देर मत करिए, नीचे जो सब्सक्राइब बटन दिया गया है उस पर दबाकर, बगल में जो घंटी दिया गया है उस पर दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियो लाऊं उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। तो साथ ही मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे दूं कि वॉइस ओवर से रिलेटेड चैनल आइडिया मैं जल्दी ही, शायद कल ही लेकर वीडियो आने वाला हूं, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे थे, तो आप लोग जरूर देखिएगा, बहुत ही यूनिक, सबसे हटकर वो होगा आपका चैनल आइडिया। तो चलिए तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।